तो पापा ने मोस्टली सपोर्ट किया था, मम्मी ने थोड़ा बहुत शुरू में सपोर्ट किया था, बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती गई मम्मी का भी धीरे धीरे सपोर्ट आने लगा। सो गाइज फाइनली हम अपना पहला Q&A कर रहे हैं और आपकी बदौलत हमारी ये फैमिली 5K तक पहुंच चुकी है। सो थैंक यू सो मच, एंड आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतने सारे क्वेश्चन मुझे पूछे हैं, तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर एक क्वेश्चन को मैं अच्छे से आंसर दूं ताकि आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट ना रहे। तो विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे पूछा है कि मैं कहाँ रहता हूँ, मेरी एज क्या है, ये बहुत सारे लोगों ने पूछा है। संबलपुरिया कलाकार अनिल कुमार सोनी, आर्ट एडिक्ट सौरव आर्ट, आर्टिस्ट छोटू नीरज, कंप्यूटर एक्सपर्ट प्रीति चौपाड़े, शरण्या, मैं रायगढ़ में रहता हूँ, ये छत्तीसगढ़ स्टेट में आता है, और मेरी एज अभी 22 ईयर्स है, सेप्टेम्बर में मेरी एज 23 हो जाएगी। डेमन स्लेयर का क्वेश्चन है कि वाई ऑयल पेंटिंग इज टू टफ और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स चाहते हैं ये। तो डेमन, ऑयल पेंटिंग अगर आपने शुरुआत किया है अभी तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा टफ लगेगा, बट स्लो स्लो आप प्रैक्टिस करते तो इम्प्रूव कर सकोगे। और टिप्स एंड ट्रिक्स की बात है तो मैं उसको जल्दी ट्यूटोरियल्स में लाऊंगा ताकि आपको इजी हो सके और आप जल्द से जल्द उसको सीख सकें। मिनल का क्वेश्चन है कि इन वाटर कलर वी यूज वाटर फ्रीक्वेंटली, इन दिस मिक्सिंग यू सीम टू डायरेक्टली यूज कलर फ्रॉम पैलेट, आई एम टोटली न्यू बी इन ऑयल एंड आई एम गेटिंग अनकंफर्टेबल विद सीइंग यू नो यूज ऑफ एनी लिक्विड मीडियम। तो ये वीडियो थी मिक्स एनी कलर, तो मैंने ऑयल पेंटिंग से कलर मिक्सिंग करके दिखाया था इस वीडियो में। तो मैं ऑयल पेंटिंग जब हम कलर यूज करते हैं तो उसमें हम डायरेक्ट कलर लेते हैं, कलर ज़्यादा यूज होता है, और जो लिंसिड हम यूज़ कर रहे हैं, लिंसिड हो या टर्पेंटाइन हो, आप बहुत कम क्वांटिटी में लेते हैं, और शुरुआती लेयर में अगर नहीं भी लेते हैं तो भी वो वर्क करता है। तो उसको मैं अपने ट्यूटोरियल में अच्छे से करके दिखाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो देख के थोड़ी सी ऑकवर्ड लगा हो सकता है क्योंकि आपने ऑयल पेंटिंग अभी की नहीं है इसलिए आपको अजीब लग रहा है, बट जब मैं करके दिखाऊंगा तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। प्रणीता पूछ रही हैं, सर आई हैव ट्राइड ऑयल पेंटिंग बट कलर करते वक्त कैनवास पे ठीक से स्प्रेड नहीं होते और रब करने पर वो खराब हो जाते हैं। तो ऑयल पेंटिंग और वाटर कलर में ये फर्क है, अगर आप वाटर कलर करते आ रहे हो तो आपको ऑयल पेंटिंग थोड़ी सी अलग लगेगी क्योंकि ऑयल पेंटिंग में हमें कलर ज़्यादा क्वांटिटी में लेने होते हैं, थिक अमाउंट में लेना होता है, और उसको अगर आप रब करके कैनवस पे करने की कोशिश करोगे वाटर कलर की तरह तो वो वर्क नहीं करेंगे। और इस चीज़ को मैं अपने ट्यूटोरियल्स में करके भी दिखाऊंगा, एक बार आप समझ लो कि अगर आप अभी कर रहे हो तो आप कलर ज़्यादा यूज़ करो, वाटर कलर की तरह थोड़ा थोड़ा नहीं लो, कलर ज़्यादा लो और बहुत ज़्यादा एरिया को एक बार में कवर करने की कोशिश नहीं करनी है, थोड़े एरिया को एक बार में, फिर से कलर लेके थोड़ी एरिया को एक बार में, ऐसे कर करके आपको ऑयल पेंटिंग करनी है। अपने डेमोज जो मैं लाऊंगा उसमें और अच्छे से आपको करके भी दिखाऊंगा। ध्रुव का क्वेश्चन है, पेपर में ऑयल पेंटिंग करूं तो कितने दिन अच्छा रहेगा पेंटिंग? ध्रुव, ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है क्योंकि पेपर पे करना मुझे करे 2 या 3 साल हुए हैं, और अभी तक जो मैंने पेंटिंग की है 3-4 साल का एक्सपीरियंस पेपर का बता रहा हूँ मैं, कैनवास में और पहले से कर रहा हूँ, बट पेपर पे जो मैंने पेंटिंग बनाई है ऑयल से वो 3-4 साल हो चुके हैं। कुछ पेंटिंग्स अभी भी रखी हुई हैं और बहुत सही सलामत रखी हुई हैं, तो कोई ऐसा टेंशन नहीं है कि पेपर खराब हो जाएंगे, बस आपको पेपर को पहले प्राइम करना है। अगर आप पेपर को प्राइम कर देते हो तब ऑयल पेंटिंग खराब नहीं होंगी पेपर पे और कई सालों तक नहीं होंगी, बट अगर आप पेपर को प्राइम नहीं करोगे तो वो कुछ टाइम बाद जो पेपर है वो ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है और धीरे धीरे वो येलोइश हो जाता है और धीरे धीरे खराब भी हो जाता है, कलर डल हो जाते हैं। तो प्राइम करना जरूरी है पेपर को ऑयल पेंटिंग करने से पहले। मीनू का क्वेश्चन है, इन ऑयल कलर यू यूज डिफरेंट कलर्स, डिड यू मिक्स ऑल द कलर्स अकॉर्डिंगली बिफोर स्टार्टिंग द पेंटिंग और यू मिक्स इट वाइल डूइंग द पेंटिंग? सो मीनू जी, मैं ऑयल पेंटिंग जब भी करता हूँ मैं पहले से कलर को मिक्स करके नहीं रखता, मैं जो चीज़ मैं बना रहा होता हूँ उसके अकॉर्डिंग जो भी मुझे शेड चाहिए मैं उस समय मिक्स करता हूँ। मतलब सपोज मुझे एक पर्टिकुलर रेड चाहिए, मुझे दिखा कि यहाँ पे वो रेड करना है तो पहले मैंने उसे मिक्स किया अपने पैलेट पे उसी समय, फिर मैं लगाया, पहले से मैं मिक्स करके नहीं रखता हूँ। पर एज ए बिगिनर पहले से मिक्स करके रखना चाहिए, ये एक अच्छी आदत में से आता है। और अगर आप भी बिगिनर हो तो आप कोई भी फोटो से अगर ऑयल पेंटिंग कर रहे हो देख के या लाइव जो भी, तो आपको पहले से मिक्स करके अपने पैलेट पे कलर रखना चाहिए और ये अच्छी चीज़ है। प्रदीप का क्वेश्चन है कि लूमीज मेथड के अलावा और कोई मेथड है जो हर प्रकार के फेस पर परफेक्ट बैठे?
देखो प्रदीप, लूमीज मेथड एक तरीका है अपने हम जो हेड बनाते हैं उसको, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो समझने के लिए कि कौन सी चीज़ कितनी लंबी कितनी चौड़ी होनी चाहिए, कहाँ पे कौन से प्लेन है, कहाँ पे फ्रंट प्लेन है, कहाँ पे साइड प्लेन है, ये समझने के लिए वो एक मेथड है। ये ऐसा चीज़ नहीं है कि आप इसको सीखोगे तो आपको किसी का भी चेहरा बन जाएगा वो। एक किसी किसी ने मुझे और ये चीज़ पूछी थी कि लूमीज मेथड सीखने के बाद चेहरा सही से नहीं बनता। तो देखो लूमीज मेथड एक अलग चीज़ है, उसको सीखना इसलिए चाहिए कि आप समझ पाओ कि हेड का जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसे, आई कहाँ पे आनी चाहिए, नाक कहाँ पे आनी चाहिए, लिप्स कहाँ पे आनी चाहिए। वो सब सीखने के बाद जब किसी फोटो को देख के आप बनाओगे तो वो सारी चीज़ें दिमाग में रखनी है। और हर किसी के आईज नोज लिप्स की जो शेप्स होती है वो अलग होती है, तो उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और उसको उठा के लूमीज में फिट करने की जो प्रैक्टिस है वो आपको करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि लूमीज में कुछ जो रूल्स हैं वो आप जान गए तो आप किसी का भी चेहरा बना लोगे, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। लूमीज को सीखना जरूरी है, उसके बाद किसी के भी चेहरों को उसके अकॉर्डिंग, किसी की अगर आंख कहाँ पे है वो आप पता चल जाएगा लूमीज से, पर उसको उसकी शेप क्या है, आंख की मोटी आंख है, पतली आंख है, छोटी आंख है, वो कैसी है, वो आपको देख के ही बनाना पड़ेगा और उसकी प्रैक्टिस आपको करती रहनी पड़ेगी। मानव का क्वेश्चन है, आई एम 13, सो शुड आई स्टार्ट ऑयल पेंटिंग? जरूर, अगर आप 13 साल के हो, 12 साल के हो, ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है, अगर आपको मन कर रहा है स्टार्ट करने को तो आप जरूर कीजिए। आयोतिक पूछ रही है कि आप स्किल शेयर या पैट्रियन वगैरह पे कब सिखाओगे? तो जल्द ही मैं कोशिश करूंगा कि एक पर्टिकुलर सब्सक्राइबर लिमिट कंप्लीट होने के बाद मैं जल्दी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करूँ। सहना का क्वेश्चन है, सर इज रशियन ब्रांड लडोगा ऑयल पेंट अवेलेबल इंडिया? यस, लडोगा इंडिया में अवेलेबल है, अमेजन पे अवेलेबल नहीं है। अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो उनका एक वेबसाइट है, आप वहाँ पर डायरेक्ट उनसे मंगा सकते हो लडोगा के पेंट्स। कैन वी डू ऑयल पेंटिंग ऑन वुडन और पैनल्स? सानिया सिंह का क्वेश्चन है ये। बिल्कुल आप वुड या पैनल्स पे ऑयल पेंटिंग कर सकते हो, बट जैसे कि मैंने बताया जैसे पेपर पे करते समय हम उसको प्राइम करना पड़ता है, वैसे वुड और पैनल जो भी आप यूज करो उसको एक बार प्राइम कर दोगे तो सही रहेगा। सुरभि कह रही है कि सर आप इतने सीरियस क्यों रहते हो? पता नहीं सुरभि, मैं वीडियो में लगता हूँगा बट रियल लाइफ में मैं बिल्कुल भी इतना सीरियस किसी के साथ भी नहीं हूँ। संजू, सर मैं अपने वर्क्स बहुत मेहनत से करता हूँ और इम्प्रूव भी हो रहा है, फिर भी लोग उसकी कदर नहीं करते, उनको मेरी आर्ट की चिंता नहीं है। अगर ऐसे लोग हैं जिनकी आप जो आपके आर्ट की चिंता नहीं करते तो आप उनकी चिंता क्यों करते हो? आपको ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप उनकी आपके आर्ट की कदर करें या ना करें, मेन चीज़ है आप अपने वर्क की कदर करो और ऐसे लोग अपने आप मिल जाएंगे जो आपके आर्ट की कदर करेंगे, अगर आप अपने वर्क की खुद कदर करते हो तो। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि आप एक कुछ ऐसा कर रहे हो जो हर किसी के बस की बात नहीं है, और आप अपना 100% दो। एक जो आर्ट है वो एक जो कला है वो हर कोई तो कर नहीं सकता, तो ये ऑलरेडी बहुत प्रीशियस चीज़ है आपके पास। ये अगर चीज़ भगवान ने दी है आपको तो आप एक लकी पर्सन हो, और अगर आप ये फोकस करोगे इन सब चीज़ों पे कि वो मेरी कदर नहीं कर रहा तो वो और ज़्यादा लगता है कि वो भी नहीं कर रहा, वो कदर नहीं कर रहा, तो ये फील ज़्यादा होता है। तो अपने वर्क पे ध्यान दो, अपने वर्क को शेयर करो, अपने आप उन लोगों से आप कांटेक्ट में आने लगोगे जिनको आर्ट की कदर है और जो आपकी वैल्यू अपने आपके आर्ट की वैल्यू को समझेंगे। भुजन पूछ रहे हैं कि सर जब आप एग्जीबिशन में अपने आर्ट को कैसे एक्सप्लेन करते हो, कस्टमर के क्वेश्चंस क्या होते हैं? एग्जीबिशंस में आप अपने आर्ट को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती है, खासकर अगर आप एक रियलिस्टिक वर्क बना रहे हो तो। और कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो विजिटर्स होते हैं, जैसे कि कौन से मीडियम आपने यूज़ किया है, क्या आइडिया था आपको इसको बनाने के पीछे, या फिर कितना टाइम लगा आपको बनाने का। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आपको ऑब्वियसली पता होंगे, और ऐसा कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। अगर आप कभी एग्जीबिशंस में जाओगे तो आप खुद एक्सपीरियंस करोगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। विच ऑयल पेंट इज बेस्ट? विशाल पूछ रहे हैं, विंसर न्यूटन और लेडोगा। विंसर न्यूटन के दो ग्रेड आते हैं, एक आर्टिस्ट ग्रेड और एक विंटन जो स्टूडेंट ग्रेड है, और लेडोगा रशियन ब्रांड है। तो विंसर न्यूटन का जो आर्टिस्ट ग्रेड है वो लडोगा से बेटर है, बट जो स्टूडेंट ग्रेड है उससे लडोगा बेटर लगता है मुझे। आर्यन सिंह का सवाल है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है? अगर हुआ है तो उसके बारे में बताओ। हाँ हुआ है, और बहुत ही बुरे तरीके से हुआ है।
तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने BFA के बारे में पूछा था, बैचलर इन फाइन आर्ट्स। तो आप लोगों ने ये मुझसे पूछा है कि आपने BFA किया है क्या और कहाँ से किया है, अपनी आर्ट की जर्नी बताइए, आपने डिग्री ली है क्या, आपने BFA किया है क्या, आपने 12th के बाद क्या किया है, टेल अस अबाउट BFA एंट्रांस, आपने कोई पेंटिंग का कोर्स किया है क्या लाइक BFA, हमें अपने आर्ट को अलग लेवल पर ले जाना हो तो फाइन आर्ट में एडमिशन लेना चाहिए क्या, मैं 10th पास हूँ, क्या आर्ट कॉलेज में एडमिशन लेना ज़रूरी है। तो इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो आपको डाउट हैं कि BFA से रिलेटेड। मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मैंने 12th के बाद BCom किया और BCom में मेरा अकाउंट्स ऑनर्स था, उसके बाद मैं अभी फ़िलहाल BFA कर रहा हूँ और मैं कॉलेज नहीं जाता, मुझे ऑलरेडी जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो कॉलेज में 2-3 साल बाद सिखाई जाएंगी। और ऑयल पेंटिंग की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप BFA करते हो तो आपको पहले साल से ऑयल पेंटिंग सिखाई नहीं जाती है, और जो चीज़ उन्होंने वो कॉलेज में जो सिस्टम होता है कि ये चीज़ के बाद ये सीखेंगे, वाटर कलर के बाद ये सीखेंगे, वो ऑलरेडी मैंने अपने पास्ट ईयर्स में किया हुआ है, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कॉलेज जाके वो सब चीज़ें सीखने की। BFA मैंने इसलिए लिया बिकॉज एक डिग्री कुछ चीज़ों में, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, अगर सपोज आपको उसमें जॉब चाहिए एज ए प्रोफेसर, एज ए लेक्चरर किसी आर्ट कॉलेज वगैरह में, तो बाई चांस वो डिग्री ले सकते हैं किसी किसी गवर्नमेंट स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो इसलिए मैंने एडमिशन लिया है। और आपका ये सवाल है कि, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि BFA बहुत सारे आर्टिस्ट ने किया है, मैंने उन्होंने देखा है, काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट से मैं मिला हूँ जो MFA भी कर चुके हैं, तो इन उनके आर्ट वर्क्स मैंने देखे हैं और वो उतने ज़्यादा हाई क्वालिटी के नहीं थे जिस क्वालिटी की मार्केट में रिक्वायरमेंट है। तो मुझे, मैं जितना भी अभी वर्क कर रहा हूँ, मैं जितने भी अभी आर्ट के कंपनीज वगैरह में और बहुत सारे जगहों पे मैं ऑलरेडी एज एन आर्टिस्ट काम कर रहा हूँ, मैं अपनी क्लासेस, अपनी एकेडमी खुद चलाता हूँ, कहीं पे भी मुझे डिग्री की ज़रूरत नहीं लगी, मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे डिग्री देना की ज़रूरत पड़ी हो। तो अगर आपके मन में यह है कि डिग्री ज़रूरी है आर्ट में आगे बढ़ने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, ले सकते हो आप, कुछ जगहों पे वो काम आ सकती है जैसे मैं ले रखी है, पर उसके वजह से मुझे कुछ बेनिफिट हो अपने आर्ट को इम्प्रूव करने में, ऐसा कुछ नहीं है। और आर्ट को इम्प्रूव करना ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर आप इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो तो। सो यहाँ मैंने अपने बारे में बताया, अगर आपको और भी आर्ट स्कूल से रिलेटेड, BFA से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा, मैं आपके सारे सवाल एक अलग से वीडियो बना के डिटेल में क्लियर कर दूंगा ताकि आपके मन में कोई भी डाउट BFA से रिलेटेड, आर्ट कॉलेज से रिलेटेड ना रहे। और मेरी बात रही तो बेसिकली मैंने खुद से ही प्रैक्टिस किया है, आर्ट कॉलेज का कोई इम्पैक्ट नहीं है मेरे आर्ट वर्क को इम्प्रूव करने में, बिल्कुल भी नहीं है। सो काफ़ी लोगों ने मुझे आर्ट एग्जीबिशन में पार्ट लेने से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, मनोज जी, पूजा, इन्होंने पूजा पूजा जी ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, उनका ये सवाल था कि हाय, आई वॉच योर यूट्यूब वीडियोज़ रेगुलरली, द वे यू आर शेयरिंग नॉलेज इज़ वेरी हेल्पफुल, थैंक यू पूजा, आई सॉ वन ऑफ योर वीडियो विच इज़ ऑन आर्ट गैलरी, यू मेट यू आर्टिस्ट दे वे सॉल्व डॉट, आई हैड कम्प्लीटली विद वाट दे टोल्ड, इट गेव मी लॉट ऑफ मोटिवेशन बिकॉज आई एम ए सॉल्व डॉट आर्टिस्ट, रिगार्डिंग दैट आई हैव सम डाउट्स। तो बेसिकली उनका सवाल ये है कि वो एक आर्ट एग्जीबिशन में गई थी और उनके किसी दोस्त ने उनसे कहा कि डिग्री वगैरह या फिर एक बैकग्राउंड ज़रूरी है, आई एम के ओके ओके नीट क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा ऑल दिस 2 मिनट वॉज ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट। ओके, आपको कोई भी डिग्री, कोई भी क्वालिफिकेशन, कोई भी डिप्लोमा, कुछ भी नहीं चाहिए एक आर्ट एग्जीबिशन में पार्ट लेने के लिए, ये आप सिंपल सी बात समझ लीजिए। जो भी आपको ऐसा बोल रहा है कि आपको डिग्री चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, बिल्कुल गलत बोल रहा है, आप उसकी बात बिल्कुल भी मत सुनिए। अगर कोई आर्ट स्कूल है वो अपनी तरफ से एग्जीबिशन करवा रहा है, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है कि मुझे मेरे ही स्टूडेंट चाहिए या मुझे इस डिग्री से रिलेटेड स्टूडेंट चाहिए, तो वो बात अलग है। बट कोई भी पॉपुलर आर्ट गैलरी जो आर्टिस्टों के लिए एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करती है, वो कभी भी किसी डिग्री के बारे में नहीं पूछती। मैंने बहुत सारे एग्जीबिशंस में पार्ट लिया है, मैं बहुत सारे वर्कशॉप्स में गया हूँ, बड़े बड़े आर्टिस्ट से मैंने मुलाकात की है, उनके साथ बैठा है, उनके साथ रहा है, और
अपने वर्क को मैंने बहुतों के साथ शेयर किया है एग्जीबिशंस में, कभी भी मुझे डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ी। इवन मैं 12th के बाद भी एग्जीबिशंस में मैंने अटेंड किया है, जबकि जब तो मुझे जब मुझे मेरे पास कोई डिग्री, मैं अभी फ़िलहाल तो BFA कर रहा हूँ, बट उस समय मैं वैसे भी कुछ नहीं कर रहा था, क्योंकि 12th के बाद जो गैप होता है उसमें कई सारे एग्जीबिशन मैंने अटेंड किया था, किसी ने डिग्री के बारे में नहीं पूछा, सबको मेरा काम बहुत अच्छा लगा था, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था मुझे बाकी सभी सीनियर आर्टिस्ट से, उनको बस मेरे काम की क्वालिटी पसंद थी, कभी भी किसी ने भी डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये चीज़ आपको मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। और काफ़ी लोगों ने ये पूछा है कि बिना डिग्री या क्वालिफिकेशन के करियर बनाया जा सकता है कि आर्ट में, तो करियर से रिलेटेड अगर मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ हो जाएगी वो, बट अगर आपको ये टॉपिक, कुछ क्वेश्चंस आए हैं करियर से रिलेटेड, बट आप ये टॉपिक में अगर आपको सीरियसली बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो एक बार आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं जल्द से जल्द उस पर एक वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। सो पूजा, बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होना, बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना, आपको कोई क्वालिफिकेशन वगैरह नहीं चाहिए, बस अपने अपने काम पे फोकस करो, अपने वर्क की क्वालिटी बढ़ाओ, आपको कोई एग्जीबिशन, कोई आर्ट गैलरी, कोई भी आर्ट रिलेटेड कोई भी इवेंट आपको रोक नहीं सकता अपने अपना टैलेंट वहां दिखाने में। सो सेम क्वेश्चन है गुरुचरण सिंह का, कॉन्गो ब्रदर थैंक्स, आई हैव क्वेश्चन हाउ टू एग्जीबिट आवर पेंटिंग इन फेमस गैलरी, व्हाट इज द प्रोसीजर? नथिंग इज द प्रोसीजर, आपको बस सर्च करते रहना है ऑनलाइन, उनकी वेबसाइट है, जो भी पर्टिकुलर गैलरी में आप वर्क दिखाना चाहते हो उनकी वेबसाइट है, आप जाइए वहाँ पे, वो शो करते रहते हैं अपने जिसका शो होने वाला है, या फिर कोई एग्जीबिशन के लिए अगर स्पेस खाली है तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, जब भी एग्जीबिशन वहाँ पे होगा या फिर कोई स्पेस खाली होगी आप बुक कर सकते हो, तो डायरेक्ट उनसे आप बात कीजिए और अपना स्पेस बुक कीजिए, कुछ एडवांस वगैरह वो लेते हैं, जो जो प्रोसीजर है आपको वो समझाएंगे, क्योंकि हर एक गैलरी का अपना अलग प्रोसीजर होता है, सिंपल स्टार्ट करना है आपको, बस उनसे कांटेक्ट करना है, वो जैसा समझाएं आपको, जिस वक्त का टाइमिंग आपको मिले उस वक्त आपको अपनी पेंटिंग को वहाँ पे प्रेजेंट करना है। सो कोई एकदम सिंपल प्रोसीजर है। तो काफ़ी लोगों ने पूछा है कि वेयर डू यू बाय योर आर्ट सप्लाइज फ्रॉम, तो मैं आर्ट सप्लाइज के लिए ऐसे कोई पर्टिकुलर एक शॉप से नहीं लेता हूँ, एक शॉप है भुवनेश्वर में जिनके पास मेरी पहचान है, तो उनके पास से मैं बल्क में सामान लेता हूँ, और मुंबई से या फिर आर्ट लाउंज के अभी जो मैंने विजिट किया तो उस पर मैंने पूरी वीडियो भी बनाई है, आपको आई बटन में भी मैं डाल दूंगा, आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो ऑनलाइन भी भेज देते हैं और काफ़ी सही रेट में भेज देते हैं, मैंने कंपेरिजन भी डाला था उनके प्राइस में और अमेजन के प्राइस में, तो उनका प्राइस काफ़ी कम था, तो इस चीज़ से आप अनुमान लगा सकते हो, और अगर आपको हायर ब्रांड्स चाहिए कम रेट में चाहिए तो आप उस वीडियो में जाके उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, और भुवनेश्वर वाली जो शॉप है उसका जो नंबर है वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डायरेक्टली बात कर सकते हो। काफ़ी लोगों ने वाटर कलर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि वाटर कलर को इम्प्रूव करने के लिए क्या करें, जैसे गीता वेंकटेश ने पूछा है कि कैन यू प्लीज डू वाटर कलर ट्यूटोरियल्स, आई हैव सीन पार्ट 1 2 3, आफ्टर दैट गिव सम आइडियाज़। तो पार्ट 1 2 3 मतलब तीन तीन पार्ट में एक्सरसाइज डाले थे मैंने वाटर कलर में, और वाटर कलर पे ज़्यादा ट्यूटोरियल्स मैंने अभी नहीं डाल रखे, बट वो जो तीन एक्सरसाइज मैंने डाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक स्टूडेंट आता है मेरे पास, उसको मैंने जब पहले एक्सरसाइज की थी तो बहुत ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेट हुआ था, क्योंकि वो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा टफ लगी थी उसको, और काफ़ी दिन तक मैंने उसे सेम एक्सरसाइज करने को ही बोली, तो वो जो तीन एक्सरसाइज है उसको काफ़ी दिन तक मैंने उसे करवाया, और जब पेंटिंग स्टार्ट हुई तो ऑटोमेटिकली उसके कलर अपने सही जगह पर रहने लगे और जो डार्क टू लाइट शेड्स है वो सही आने लगे। कहने का मतलब ये है कि जो तीन पार्ट्स मैंने डाले हैं, एक्सरसाइज जो डाली हैं, उसको अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका बहुत ज़्यादा लेवल में आप एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी वाटर कलर में, तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, वाटर कलर की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको तीनों एक्सरसाइज की वीडियोस मिल जाएंगी। टिकटॉक बॉय SD, सर मैं पेस्टल कलर करता हूँ तो बहुत मस्त करता हूँ, बट वाटर कलर पेस्टल कलर दोनों के लिए कौन सा पेपर लूँ? दर्शन लिखते हैं पेपर कौन सा फ्लैट वैल्यू के लिए, मेघा मिश्रा वाटर कलर पेंट करते टाइम पेपर स्ट्रैच हो जाता है,
देखो आप लोगों ने जिन्होंने भी वाटर कलर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, अगर आप बिगिनर हो, अगर आपने स्टार्ट किया वाटर कलर करना, तो 120 जीएसएम का कोई भी पेपर आप ले सकते हो। और क्लासमेट के जो शुरू में बिगिनर्स वाले पेपर आते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, वो भी उसमें भी काम हो जाता है, ऐसा नहीं कि उसमें आप नहीं कर पाओगे। और अगर आप थोड़े से एडवांस लेवल में अगर वाटर कलर कर रहे हो तो 300 जीएसएम का पेपर सही रहता है, 300 जीएसएम का फेब्रियानो का पेपर बढ़िया रहता है, मैं उसी को यूज़ करता हूँ अगर प्रोफेशनली तौर पे देखा जाए तो। और बिगिनर के तौर पे आप 120 जीएसएम के अराउंड का कोई सा भी पेपर आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो, और पेस्टल के लिए भी 120 जीएसएम का कोई सा भी पेपर, आइवरी पेपर हो या ब्रिस्टल पेपर हो, कोई भी नॉर्मल पेपर आप यूज़ कर सकते हो, उसमें आप अच्छे से वर्क कर सकते हो। और आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको यही सब पेपर यूज़ करने चाहिए, हाई क्वालिटी के ब्रांडेड जो प्रोडक्ट्स आते हैं, कैंसन हो या फिर फेब्रियानो हो या जो भी आर्चेज हो, ये बहुत सारे ब्रांड्स हैं हायर क्वालिटी में, बट वो एक स्टेज के बाद ही आप यूज़ करें तो बेटर रहेगा। और भी एक मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा पेपर से रिलेटेड, क्योंकि पेपर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं सबके मन में, तो उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। पर अभी आप लोगों ने से जो क्वेश्चन पूछा है कि वाटर कलर के लिए अभी मैंने कौन से पेपर यूज़ किए हैं अपने जो मैंने वीडियो जारी थी उनमें, तो उसके डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे रखा है कौन सा पेपर मैंने यूज़ किया है। और जो भी पेपर मैंने यूज़ किया है वो एकदम सिंपल है और उसको प्रैक्टिस के लिए आप यूज़ कर सकते हो, फ्लैट वैल्यू जो मैंने डाला था उसके लिए भी, और एक वॉल्यूम के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी उसके लिए, उसमें भी जो मैंने एक्सरसाइज बताई थी वो भी आप नॉर्मल किसी भी पेपर में आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो। शालिनी पांडे पूछ रही हैं कि जब हम जैसो और एक्रेलिक वाइट अप्लाई करते हैं तो कैनवस पर वो कितनी देर बाद पेंटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप कैनवस पे जैसो यूज़ कर रहे हो या एक्रेलिक कर रहे हो तो एटलीस्ट आप उसको 2-3 घंटे तक कम से कम सूखने दो, अच्छे से एब्जॉर्व हो जाएगा वो, तब तक फिर आप अच्छे से आप पेंटिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो प्राइमिंग के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। आनंद कुमार का क्वेश्चन भी सेम है कि प्राइमिंग में हम ब्राउन कलर ही यूज़ क्यों करते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ब्राउन कलर यूज़ करना, बट आप कोई दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हो। मैं ब्राउन पर्सनली यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे वो कलर अच्छा लगता है। पैलेट का कलर और कैनवास का कलर सेम अगर हो तो कलर में इल्यूज़न कम आते हैं, आप जो कलर आपको यहाँ मिक्सिंग करते समय दिखेगा वही कलर आप वहाँ पर आप लगाओगे तो दिखेगा, इसलिए मैं पहला लेयर ब्राउन का देता हूँ प्राइमिंग करते समय। कैन वी यूज़ जैसो इंस्टेड ऑफ एक्रेलिक वाइट? यस, यू कैन यूज़ जैसो इंस्टेड ऑफ एक्रेलिक वाइट। कंचन यादव पूछ रही है कि आर्ट परस्यू करने में फैमिली का क्या रोल था? फैमिली ने ऑलरेडी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है और स्टार्टिंग से वो सपोर्टिव रहे हैं। और अगर आपकी फैमिली में ऐसा भी प्रॉब्लम आता है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं भी करते हैं, तो एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता हूँ, आप अगर रियली पैशनेट हो आर्ट को लेके तो आप अपने आर्ट को फोकस करते रहिए, अगर बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं भी मिल रहा तो उसमें आप फोकस करते रहिए, एक स्टेज के बाद एक लेवल पे आप पहुंच जाओगे जब आपके वर्क की जो क्वालिटी है वो उसके थ्रू आप बहुत जगह नाम कमा सकोगे, बहुत जगह आगे बढ़ पाओगे। तो जब आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुलने लग जाएंगी अपने आर्ट के क्वालिटी के दम पे, तो जो सपोर्ट नहीं मिल रहा था पहले वो मिलने लग जाता है। और ये साथ मेरे साथ भी हुआ है, बहुत सारे मेंबर्स फैमिली में मुझे सपोर्ट नहीं भी कर रहे थे, बट एक स्टेज पे आने के बाद जब कमीशन वर्क करने के बाद बहुत सारे जो सपोर्ट आने लग गया, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलने लग गई, तो जो सपोर्ट नहीं भी करते थे वो सपोर्ट करने लग जाते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, डेडिकेटेड हो, तो आप ज़रूर कंटिन्यू करते रहिए, एक टाइम के बाद सब सपोर्ट करने लग जाते हैं। वेदांत स्केच का क्वेश्चन है, आपके आर्ट में रोल मॉडल कौन है, प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। सो मैंने पिक कर लिया क्वेश्चन वेदांत। आप रोल मॉडल के अगर मैं बात करूं तो रोल मॉडल बदलते रहते हैं समय समय पे। अभी मैं फॉलो करता हूं सीजर सैंटोस को, एंड्रयू टिशलर, मार्क कार्डर, ऐसे इंटरनेशनल काफ़ी सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जिनके वर्क मुझे काफ़ी मोटिवेट करते हैं अपने वर्क को इम्प्रूव करने में। और सिर्फ आर्ट की क्वालिटी ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें आपको मैं आपको अपने रोल मॉडल बनाने चाहिए। कुछ आर्टिस्ट होते हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन जो वो करते हैं उस चीज़ से आप प्रभावित हो सकते हो, कुछ होते हैं जो अपने आर्ट में कितना क्वालिटी लाते हैं, कितनी फाइननेस लाते हैं, वो चीज़ आप देख के मोटिवेट हो सकते हो, कुछ होते हैं जिनका अपने आर्ट को जिनमें आर्ट को दिखाने का तरीका, एक स्टोरी जो अपनी इमोशनल साइड डालते हैं आर्ट में, वो स्टाइल उनका आप फॉलो कर सकते हो। तो अलग अलग आर्टिस्ट को आप फॉलो करोगे, अलग अलग क्वालिटीज उनसे लोगे, तो ये चीज़ आपको ग्रो करने में हेल्प करेगी। और समय समय पर आपके आर्ट मॉडल बदल भी सकते हैं। पहले मैं बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा उनको फॉलो करता था, उससे पहले एक मेरे सर थे उनसे ज़्यादा मैं मोटिवेटेड रहता था, फिर धीरे धीरे मुझे इंटरनेशनल आर्टिस्ट के बारे में पता चला। तो ऐसे बदलते रहेगा, और जो भी आपको मोटिवेट करे, जो भी आपको इंस्पायर करे, उसको अच्छे से फॉलो कीजिए, उसके काम को देखिए, उसको कैसा समझा रहा है, क्या बता रहा है, अच्छे से फॉलो करो, नोट्स बनाओ, डेडिकेशन के साथ फॉलो करो, आपका आर्ट वर्क बहुत जल्दी इंप्रूव होगा।
रोशन कुमार आर्ट्स बेस्ट कैमरा फॉर ड्राइंग वीडियो रिकॉर्डिंग। मुझे बेस्ट कैमरा को नहीं पता, पर अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ निकॉन का D3400 है। और आप मोबाइल वगैरह जो अच्छी क्वालिटी के मोबाइल के कैमरेज आते हैं उसे भी यूज़ कर सकते हो। बेस्ट के बारे में मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने बहुत सारे कैमरा वगैरह को टेस्ट नहीं किया है। बहुत सारे क्वेश्चन पोर्ट्रेट से रिलेटेड हैं कि पोर्ट्रेट को इम्प्रूव कैसे करें। पोर्ट्रेट को इम्प्रूव करने के लिए आपको लूमीज मैथड यूज प्रैक्टिस करना चाहिए एंड एक स्केचिंग एंडेवर जो मैंने स्टार्ट की है डेली प्रैक्टिस करने के लिए ड्राइंग की। तो आपको डेली ड्राइंग प्रैक्टिस करनी है, जरूरी नहीं है कि आप डेली पोर्ट्रेट की प्रैक्टिस करो। आप लैंडस्केप बनाओ, आप स्टिल लाइफ बनाओ, आप कुछ भी बनाओ, कुछ भी बनाओगे आपका पोर्ट्रेट इंप्रूव होगा। कैसे? क्योंकि आई कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा तो वो चीज़ आप पोर्ट्रेट में भी लागू कर सकते हो। और ये एक बुक है वासुदेव कमठ की, बहुत बड़े इंडियन आर्टिस्ट ने ग्रेट, उनकी एक बुक है, शायद मेरे पास है, मैं हो सके तो उससे रिलेटेड चीज़ें भी मैं आपको आने वाले अपने ट्यूटोरियल से जरूर बताऊंगा। तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको कोई अपडेट मिस ना करो मेरी वीडियोज़ की। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं चीज़ बता रहा हूँ कि आपको अगर पोर्ट्रेट बहुत अच्छा करना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पोर्ट्रेट की प्रैक्टिस करो। आप स्टील लाइफ हो या कुछ भी हो, सब चीज़ बनाओ और हमेशा ट्राई करो कि बिना किसी ट्रेसिंग वगैरह की इस्तेमाल नहीं करो, आप डायरेक्ट लाइव ट्राई करो, डायरेक्ट फ्री हैंड ट्राई करो, डायरेक्ट प्रपोर्शन को जज करना ट्राई करो। शुरू में गलती होती है पर वो गलती से ही आप एक स्टेज के बाद सीखोगे, तो इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करना। एंड पोर्ट्रेट बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए और ज़्यादा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं आपके, वार्निश वार्निश कैसे करते हैं पेंटिंग को, ड्राई कैसे करते हैं जल्दी ऑयल पेंटिंग को, ये सारे क्वेश्चंस मैं अभी पिक नहीं कर सकता क्योंकि ये चीज़ें मैं अगर बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएंगी, इसलिए मैंने ये सब क्वेश्चंस को एक बार साइड रखा है। मैं इग्नोर नहीं करूंगा ये सारे क्वेश्चंस को और मैं अच्छे से इस पे वीडियो पर्टिकुलरली इन सब टॉपिक्स पे अच्छे से बनाऊंगा। आर्ट कॉलेजेस वगैरह पे, बीएफए पे, ये सब जो टॉपिक्स हैं हार्ड टॉपिक्स हैं, बहुत थोड़े से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको अच्छे से एलोबरेट करना, अच्छे से एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। तो मैं अभी जो जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन मैं कवर कर सकूँ, बस इन सब टॉपिक्स पर अगर आपको अच्छे से वीडियो चाहिए ताकि आप को कोई डाउट ना रहे, तो जो जो टॉपिक पे जो आपको इस वीडियो में अगर क्लियर नहीं भी हुई है तो आप कमेंट में एक बार लिख देना, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बना दूंगा। आपको ऐसा कोई भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई भी आपका क्वेश्चन छूटे, ऐसा मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हर एक क्वेरी को मैं सॉल्व कर सकूं। ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे समझ आए कि आप समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं आंसर दे रहा हूँ आप समझ रहे हो, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता कि मैं एक्सप्लेन अपने तरफ से कोशिश पूरी करता हूँ कि मैं क्लियर करूँ चीज़ों को, पर आप क्लियर हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो वो मुझे तभी पता चलेगा जब आप कमेंट में बता दोगे, लाइक कर दोगे और ज़रूर कर दीजिएगा। एंड कोई प्रॉब्लम भी हो रही है, कोई चीज़ें मैं अगर आप समझा नहीं पा रहा हूँ तो वो भी बता दीजिएगा ताकि अगले बार मैं और अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूँ आपको। तो आई होप आज की जो वीडियो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो। अगर लगी हो तो अपने सारे दोस्तों में जो आर्ट की फील्ड में हैं या जाना चाहते हैं या इंटरेस्टेड हैं उनके साथ तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ और आपने जो क्वेश्चन पूछा है, हो सकता है कईयों का ये सवाल हो वो पूछ नहीं पाते हो, तो उन तक ये क्वेश्चन और इनके आंसर्स पहुँच सकें। और आपके मन में भी और कोई सवाल हो, कोई चीज़ हो जो मैंने कही हो और आपको उससे रिलेटेड कुछ बातें कर लिखनी हो या बतानी हो, दूसरे को हेल्प हो सके जिससे, कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। एंड अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप मेकिंग आर्ट वर्क एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गाइस ये पसीना मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है आज क्योंकि एक्चुअली बाहर में बहुत शोर है, इसलिए मुझे सब कुछ खिड़की वगैरह सब कुछ बंद करना पड़ा। बहुत ज़्यादा गर्मी है, हुमस हो रखा है, बहुत ज़्यादा पसीना इसलिए आ रहा है, तो थोड़ा इग्नोर करना इस चीज़ को। ये पेंटिंग 2017 में मैंने बनाया था, 2017 के दिसंबर में अराउंड, और बहुत पर्सनल फीलिंग थी क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम मास्टर कॉपी करने का ट्राई किया था और लियोनार्डो सर का वर्क मैं कर रहा हूँ कि ये सोच के मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। हालांकि मुझे बहुत सारी मिस्टेक्स अभी नज़र आती है, उस वक्त नहीं आती थी, पर कुछ प्रपोर्शंस में गड़बड़ियां हैं और कलर्स वगैरह कुछ ठीक से नहीं आए हैं, पर बहुत एक पर्सनल फीलिंग थी इसमें। मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छी लगती है ये पेंटिंग और इसलिए मैंने उसको संभाल के रखा है।